हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक्सीलेंट क्लास 12 की बुक से यूपी बोर्ड में जो 2013 में सभी सेट आए हैं इनडायरेक्ट का, उसको हल करते हैं। इसके पहले हम 12 का हल कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2013, फिर इसके बाद इसके आगे का सब कुछ हल करेंगे। बने रहें वीडियो में। पहला आपका सेट का पहला क्वेश्चन जो है ही सेड, उसने कहा, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैं अपनी कलम खो चुका हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताते चला जा रहा हूँ, आप फटाफट देख कर लीजिए और समझ भी ले लीजिए कैसे बना। ही सेड, तो ही सेड यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट लगा के जोड़ दिए, आई हैव का ही हैड हो जाएगा, ही हैड लॉस्ट, फिर माई का हो जाएगा हिज पेन। इस तरह से हो जाएगा। अगर आप रूल नहीं देखें, पूरा एक्सीलेंट के रूल्स मैं इससे पहले कवर करा चुका हूँ, एक्सीलेंट क्लास में ग्रामर के नाम से पूरा शुरू से रूल और एग्जाम्पल सहित पूरा हल कराया। अब एग्जाम के पेपर को भी मैं हल करा दे रहा हूँ, इसी तरह से हर टॉपिक में कवर करूँगा क्वेश्चन पेपर से, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। हाँ, परीक्षा वाले साल भी मैं अलग से पूरा प्रैक्टिस सेट दूंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना कटे। ठीक है, चैनल पे टारगेट ये है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करवाना है, वो भी वही जो एग्जाम में आते हैं। द यूनियन लीडर सेड, यूनियन लीडर ने कहा, दूसरा है, लेट अस शो द बॉस दैट वी आर यूनाइटेड, आओ बॉस को दिखा दें कि हम एक हैं। तो जगह यहाँ लेट अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स है, तो इसलिए सेड का हो जाएगा प्रपोज, ये सजेस्टेड करेंगे, यूनियन लीडर प्रपोज दैट कर देंगे। अब लेट अस शो का हो जाएगा दे शुड शो, दैट के बाद दे अस को दे बदल देंगे, यूनियन लीडर के अनुसार लेट को सुन बदल देंगे, दे शुड, उसके बाद शो से हो जाएगा शो द बॉस दैट, वी का हो जाएगा दे, आर का हो जाएगा वर, यूनाइटेड हो जाएगा WER। तीसरा वाक्य है, श्याम सेड टू हिज फ्रेंड, श्याम ने अपने दोस्तों से कहा लेट अस, हाँ तो सेड को आप प्रपोज कर दीजिए। अब यहाँ कंजक्शन लगा देंगे दैट, फिर लेट अस को हम कर देंगे दे शुड। ठीक है, दैट के बाद श्याम के लिए ही तो लगता नहीं, दे ही लगता है इसमें, बी या दे अस क्योंकि बहुवचन है, और लेट को शुड बदल, दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। ठीक है, अब देखिए लेट अस को बी या दे में बदलते हैं। हाँ, थर्ड पर्सन है, आप देख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप दे में कर दीजिए, नहीं तो वी में भी आप वी में कर देते हैं। अब देखिए, शी सेड वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी, उसने कहा क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहोगे। तो ये देखिए वुड यू लाइक टू हैव, देखने में तो प्रश्नवाचक इसमें लगा है, लेकिन ये वास्तव में प्रश्नवाचक है नहीं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि आप एक्सीलेंट में जब पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में दिया है वुड या कुड से, तो उसमें विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव लगता है। ये बताया गया कि आप मेरे साथ चाय पीना चाहोगे, यानी कि मेरे साथ चाय पीना, ठीक है, तो इसमें ऐसे वाक्य में आमंत्रण और रिक्वेस्ट प्रकट होता है, तो रिक्वेस्ट विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव झलक होता है, झलकता है अकॉर्डिंग टू एक्सीलेंट, तो उस हिसाब से आप इसमें रिक्वेस्टेड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इन्वाइट के सेंस में इन्वाइटेड भी कर सकते हैं, और कोई रिपोर्टिंग पर नहीं लगा सकते, तो ये वाक्य जो होगा इसमें हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड, हाँ, उसके बाद टू लग जाएगा। एक बात ध्यान देना कि टू तो लगा लगेगा ही, लेकिन इसमें है वो यू है ना, तो यू को बदलना पड़ेगा। यहाँ आप हर मान लीजिए, वह उससे प्रार्थना की, मान लीजिए हिम भी मान सकते, कन्फर्म नहीं है लड़की से कह रहे कि लड़की से, जैसे औरत है तो औरत के हिसाब से हम औरत ही मान ले रहे हैं, बाकी हिम भी सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सी रिक्वेस्टेड हर, हर या हिम में हम मान लेते हैं। टू अब कर देंगे, देखिए टू कंजक्शन है और यहाँ भी टू हैव है, टू के बाद हैव से हम जोड़ देंगे, टू हैव, फर्स्ट फॉर्म में टी विद मी का हिम माने हर माने, हर हो जाएगा हिम माने, ये हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड हर टू हैव टी विद हर, वह उससे अपने साथ चाय पीने की प्रार्थना की। ठीक है, यह इसका करेक्ट है। फिलहाल अगर आप इनवाइटेड कर देंगे तब भी सही, सी इन्वाइटेड हर टू हैव टी विद हर, वह उसे अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित की, यह भी सही है, रिक्वेस्ट भी सही। ठीक है, आगे सी ही सेड, उसने कहा द मैन कम्स, आदमी, ठीक है, आता, तो हो जाएगा सेड का सेड ही रहेगा, दैट यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो ही सेड दैट द मैन, कम का पास्ट यूनिट में बदलेंगे तो केम हो जाएगा। ठीक,
देखिए, अब किताबों में कुछ किताबों में दिया गया कम को गो में बदल देते, लेकिन हमेशा नहीं बदला जाता। अगर आवाजाही का सेंस देना है तो बदलो, नहीं तो पास आने के लिए अगर उसका प्रयोग हुआ है, किसी के पास कोई आदमी गया तो बदला नहीं जाता, उसमें कन्फ्यूज ना होना। यहाँ कम का केम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा। ही सेड टू अस, आर यू गोइंग अवे टूडे, तो हो जाएगा ही टोड आस्क्ड, हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य सेड टू का आस्क्ड बदलेंगे। आस्क्ड अस, ठीक है, अस के बाद जो है इफ हो जाएगा, फिर आर यू को जो है यू को अस के आंसर बदलेंगे तो भी हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, वी वर गोइंग अवे टूडे का दैट डे हो जाएगा। अगला, द टीचर बीकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड, ये किताब में एक्सीलेंट में सेम टू सेम हल किया गया है, आप वहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। डायलॉग वाली एक्सरसाइज में बताया भी गया है, पीछे भी बताते चल जाए एक बार स्पीडली। तो द टीचर बीकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड, तो इसको आप सेम टू सेम वैसे लिख देंगे और सेड की जगह आस्ट कर देंगे, तुम यही कहेंगे अध्यापक विद्यार्थी से क्रोधित हो गए और कहे और पूछे एंड आस्ट। हाँ, तो इनडायरेक्ट में सेम टू सेम रिपोर्टिंग पर बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन आप सेंस के अनुसार, क्योंकि दूसरे से बताएंगे तो आपके ऊपर है, चाहो तो आप इसको ऐसे बींग एंग्री विद द स्टूडेंट द टीचर से, तब भी सही है। द टीचर आस्ट, बींग एंग्री विद द स्टूडेंट द टीचर आस्ट हिम, क्योंकि यू है तो आप आस्ट बाद हिम मान लीजिए स्टूडेंट के अनुसार, अगर वैसे कहेंगे तब लगेगा हिम। बींग एंग्री, अगर बींग वाले स्टाइल से बींग एंग्री, बिकम माने होना, बींग माने होना, विद द स्टूडेंट द टीचर आस्ट हिम, इस तरह से होगा। या फिर आप सीधे सीधे इसको लिखते बदल लीजिए, होते हैं द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड आस्क डे ही कह दीजिए, आज के बाद जो है यहाँ स्टूडेंट लगा है ना, तो आज के बाद ही फिलहाल यू को बदलना है तो आप हिम मान सकते हो, मान लो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। वाई, अब यू का जो है हिम माने होना, क्योंकि स्टूडेंट क्लियर भी है, ही हो जाएगा। यहाँ आप हिम मानो या ना मानो, डायरेक्ट भी कर सकते हो आज भी, वाई तब भी सही है, मान लोगे तब भी सही है, काम हम लिखो या वैसे करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम दूसरे से डिपेंड करते हैं और पूछे कि क्या हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं, और उससे पूछे कि क्या हुआ ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसलिए मान भी सकते नहीं, ठीक है। यू को बदलोगे ही में, मानो या ना मानो, क्योंकि स्टूडेंट के लिए है। एंड आस्क हो जाएगा, आस्क हिम वाई, फिर ही हैव का हैड डिस्टर्ब द क्लास इन दिस काइंड दैट वे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला वाक्य देखिए, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ठीक है, तो कहें कि तुम इस तरह से क्लास को क्यों डिस्टर्ब किया, अध्यापक विद्यार्थी से क्रोधित और कहे क्यों इस तरह से क्लास को डिस्टर्ब किया। फिर आगे कह रहे हैं कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि व्हेन आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, यू शुड बी साइलेंट, तब तुम्हें साइलेंट होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ वाक्य जो है थोड़ा लंबा है, तो हम नया वाक्य से बना देंगे, एक्सीलेंट में भी आपको दिया गया है, इसमें हम सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट वर्ब आप जब मानते हैं तो ही रिमाइंडेड हिम दैट, ऐसे कहते हैं कि ही, देन भी कह सकते हो, देन लिखो तो ना या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कह सकते हो, ही देन रिमाइंडेड हिम दैट, फिर तब वह उसे क्या किए, वह तब उसे रिमाइंडेड माने याद दिलाए, ठीक है, रिमाइंडेड हिम, उसके बाद दैट, ठीक है, क्या करेंगे, रिमाइंडेड हिम दैट, आई हैव का ही हैड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोल्ड यू का हिम हो जाएगा, ही हैड टोल्ड हिम, वह तब उसे याद दिलाया कि वह उसे बता चुके हैं, बिफोर का बिफोर ही रहेगा, दैट व्हेन आई एम का ही वाज हो जाएगा, स्पीकिंग फिर कामा करके यू का ही हो जाएगा, शुड बी साइलेंट, इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। देखिए, ही देन टोल्ड हिम भी हम कर सकते हैं नए वाक्य में, लेकिन यहाँ भी टोल्ड है तो अच्छा नहीं लगेगा, इसमें याद दिला रहे हैं तो रिमाइंडेड कब लोग यहाँ अच्छा मान जाएगा, ही देन रिमाइंडेड हिम, वह तब उसे क्या किया, याद दिलाया दैट करके, अब फिर ऐसे शायद इस बात बता रहे चले आई क्या है, ये हो जाएगा हैव का हैड टोल्ड यू का हिम बिफोर दैट व्हेन आई एम का ही वाज स्पीकिंग, फिर यू का सब्जेक्ट यहाँ है ही हो जाएगा, शुड बी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक साइलेंट तक आप क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ अगला वाक्य है, लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न अगेन दैट, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो उससे कहते हैं कमरा छोड़ दो और वापस अगेन दोबारा आज मतलब, ठीक है। तो इस तरह से एक बार तो याद दिला दिए हैं, फिर उसके बाद साइलेंट होना चाहिए, ठीक है। और अंत में वह उसे क्या आदेश भी दे दी, कमरा छोड़ो और आज वापस ना।
तो अंत में करेंगे आप लास्टली लिख सकते हैं, लास्टली, ये अपने आपके ऊपर है, नहीं भी लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है, लास्टली कर सकते हो, या फिर कर सकते हो आफ्टर दैट, कर सकते हो आफ्टर दैट इसके बाद, या आफ्टर दिस भी कर सकते हो इसके बाद दिस का, लेकिन दैट हो जाएगा तो आफ्टर दैट, ठीक है, अर्थ के अनुसार इसके बाद या उसके बाद आप जो है जो भी कर सकते हो, लास्टली या आफ्टर दैट इसके बाद, ही आर्डर्ड हूँ, या नहीं भी करो कोई दिक्कत, लास्टली लास्टली ही ऑर्डर हूँ, अंत में उसे देती है, या आफ्टर दैट ही ऑर्डर हूँ, या आफ्टर दिस ही ऑर्डर हूँ चलेगा सर, या डायरेक्ट भी कर सकते ही ऑर्डर हिम, जो एक्सीलेंट में आप देखोगे ही देयर फॉर ऑर्डर इन दिए, वह इसलिए उसे क्या किए आदेश दिए, देयर फॉर भी सही है ऑर्डर हूँ, क्योंकि ये कनेक्टिव वर्ड है, देयर फॉर लास्टली एट दिस आफ्टर दिस, वह इस तरह से आदेश दिए, कुछ भी कर सकते हैं अर्थ के अनुसार, तो आप कह दीजिए कि ही देयर फॉर ऑर्डर, वह इसीलिए उसको क्या किए आदेश दिए, क्योंकि पहले उसको याद दिला ही चुके थे, फिर भी वो साइलेंट नहीं है, तो वह इसलिए उसे तो क्या करेंगे आदेश दे देंगे, क्या आदेश दे देंगे, टू लीव द रूम, कमरा छोड़ने के लिए, एंड टू नॉट का हो जाएगा नॉट टू, रिटर्न अगेन टूडे का दैट डे, इस तरह से ये डायलॉग टाइप का था, मिक्स सेंटेंस इस तरह से किया जाएगा। अगला भी देखिए डायलॉग टाइप का है, मिक्स सेंटेंस ये, इसमें भी पीछे हम मिक्स सेंटेंस की वीडियोज डिटेल में बताए हैं, अब नहीं देखें तो आप इसको देख लीजिए, या देखिए द रॉबर सेड टू अलेक्जेंडर, तो इसका क्या हो जाएगा सेड टू, आई एम, ये देखिए इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड अलेक्जेंडर, कंजक्शन यहाँ का लग जाएगा दैट, आई एम का हो जाएगा ही वाज, ठीक है, अब दाई, दाई माने क्या होता है तुम्हारा, दाई ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, दाई का मतलब हो जाएगा हिज, ठीक है, योर सिनॉनिम इसका है तो हिज में बदला जाएगा अलेक्जेंडर के अनुसार, कैप्टिव, ठीक है, तो उसके बाद कैप्टिव के बाद जो है अगला वाक्य है आई मस्ट हियर व्हाट द व्हाट प्लीज, तो अर्थ भी थोड़ा बता दे रहे हैं कि आप नहीं हो सकता समझ ना पाए किस तरह से बना रहा हूँ। रावर डाकू एक था अलेक्जेंडर माने सिकंदर, सिकंदर महान सुने होंगे विश्व विजेता, उसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं इसलिए, और डाकू ने सिकंदर से कहा आई एम दाई कैप्टिव, कैप्टिव माने कैदी, मैं तुम्हारा कैदी हूँ, आई मस्ट हियर मुझे सुनना चाहिए व्हाट दाउ आर्ट प्लीज टू से, व्हाट दाउ आर प्लीज, जो दाउ माने यू तुम, आर्ट माने आर हो, प्लीज माने खुश टू से कर, जो कहकर तुम खुश, मतलब जो भी तुम कुछ कहना चाहते हो मुझे, इसलिए मैं तुम्हारा कह दूँ, इसलिए मैं जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो सुनना चाहिए, व्हाट दाउ आर्ट प्लीज टू से, मैंने जो कुछ कह के आप खुश हो, यानी कि जो आप कहना चाहते हो, एंड इंड्योर उसे मुझे सुनना चाहिए, एंड इंड्योर माने सहन करना, और सहन भी करना चाहिए व्हाट द वर्ड प्लीज टू कन इन्फ्लिक्ट, जो कुछ भी आप थोपने के लिए मिलकर करें, प्लीज मैंने कुछ आप खुशी खुशी मिलकर थोपे, मतलब प्लीज टू इन्फ्लिक्ट, मतलब लेकिन प्लीज मैं चाहना भी हो, व्हाट द वर्ड प्लीज टू इन्फ्लिक्ट, इसका मेन अर्थ होगा जो आप भी मुझ पर थोपना चाहो, तो जो भी आप कहना चाहो उसे मुझे सुनना चाहिए, जो थोपना चाहो उसको मुझको चाहना चाहिए, इन्फ्लिक्ट मैं थोपना, कोई बाहर लाजना, कोई भी दंड दे देना किसी को, बाहर स्वरूप कि तुमको यह करना पड़ेगा, बट माई सोल इज अनकॉन्कर्ड, लेकिन मेरी आत्मा जो है अनकॉन्कर्ड बने अजय है, मतलब जिसे जीता ना जा सकता, कॉन्कर्ड माने जीतना, अजय अनकॉन्कर्ड मतलब जिसे जीता ना जा सकते, मतलब आत्मा तो अजय और अमर है, उसको कोई भी जीता नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता, वही चीज़ अनकॉन्कर्ड, तो अब देखिए अर्थ समझ में आ गया होगा, अब देखिए फिर से बता दे रहे हैं, रॉबर्ट टट्टू का टोल्ड करें, टोल्ड अलेक्जेंडर, यहाँ दैट लगाएंगे, आई एम का ही वाज हो जाएगा, दाई का हिज हो जाएगा, दाई का हिज, दाई मैंने तुम्हारा हिज मैंने उसका हो जाएगा कैप्टिव, अब इसके बाद मतलब कि हम रॉबर्ट ने अलेक्जेंडर को बता दिया कि वह उनका कैदी है, इतना अर्थ भी बता दिए, आई मस्ट हियर इसको नए वाक्य बनाएंगे, द वर्ड प्लीज टू से, जो तुम उसका ना चाहते उसे मुझे सुनना चाहिए, मतलब कहा कि मैं तुम्हारा कैदी हूँ इसीलिए तो मुझे तुम्हें सुनना चाहिए, तो इसलिए इसीलिए अंग्रेजी अपने आप तरफ से कनेक्टिव वर्ड यहाँ देयर फॉर लगा देंगे, देयर फॉर क्योंकि बताया था ना, देन अगेन देयर फॉर एट दिस आफ्टर दिस एट इट फर्दर, ये सब अर्थ के अनुसार चाहे जो भी आप प्रयोग कर सकते हो स्वतंत्र रूप से, नहीं भी करोगे तो गलत नहीं होगा, ये केवल वाक्य को जोड़ कहने के लिए अच्छे लगते हैं, इसलिए वाक्य सुंदरता बढ़ाने के लिए लगा दिया जाता है, नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, देयर फॉर ही मस्ट हियर, ही मस्ट हियर, ये देयर फॉर ही मस्ट हियर, यहाँ देयर फॉर से हम वाक्य को, ठीक है, नया वाक्य जोड़ देंगे, ठीक है,
या फिर आप डायरेक्ट भी सो से भी जोड़ सकते हो, देर फरमाने से लिए सो से भी हम जोड़ सकते हैं। इसलिए होता है ना कि दो वाक्य अगर असर्टिव हैं, ये भी असर्टिव है ये भी असर्टिव, तो एंड या सो से जोड़ सकते हैं। सो माने से लिए देर, सो का सुना देर फोर से भी जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ तार के यहाँ एंड से भी जोड़ सकते हैं। ये थोड़ा वाक्य बड़ा है इसलिए हम एंड जोड़ के ना नया वाक्य बना दिए, ठीक है। तो नया वाक्य बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, देर फोर से नया वाक्य बना दीजिए या सो से जोड़ ही दीजिए, दोनों सही है। तो देर फोर ही मस्ट हियर, यस सो ही मस्ट हियर। व्हाट दाउ आर्ट प्लीज्ड, ठीक है, व्हाट दाउ आर्ट प्लीज्ड, तो व्हाट मतलब व्हाट ही रहेगा, दाउ का मतलब होता है ही, दाउ माने यू होता है, तो ही हो जाएगा। आर्ट मतलब आर होता है, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड, आर्ट माने आर हो, इसलिए आर का हो जाएगा वाद, ये काला नहीं है क्योंकि इस दाउ सब्जेक्ट के बाद आर्ट ये वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। व्हाट दाउ आर्ट मतलब व्हाट ही वाज प्लीज्ड टू से, ये चीज़ हो जाएगा। आगे है एंड इंड्योर, ठीक है, इंड्योर का इंड्योर ही रहेगा, ठीक है, टू से एंड इंड्योर, टू से ये जुड़ा हुआ है, इन्फिनिटिव में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। उसके बाद व्हाट दाउ आर्ट का फिर व्हाट ही वाज हो जाएगा, प्लीज टू इन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन्फ्लिक्ट। उसके बाद हम बट से जो ये वाक्य दिया गया ना, वाक्य बट से आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये फुल स्टॉप लगा दिए, भले फुल स्टॉप 32 लग गया है, ये फुल स्टॉप यहाँ नहीं रहेगा, काम भले रह सकता है। तो बी से ही जोड़ दीजिए क्योंकि ये नया वाक्य भी देखिए नहीं दिया गया, बी छोटे से ही है, तो ये ही वाक्य का। तो व्हाट द ही वाज प्लेस टू इन्फेक्ट, बाद बट से आप जोड़ दीजिए, बट माई का हो जाएगा हिज, सोल, सोल का सोल ही रहेगा, इज अनकॉन्करेबल, इनकॉन्कर्ड। देखिए ये बट हिज सोल इज अनकॉन्कर्ड रहेगा, इज का वाज नहीं करना, लेकिन उसकी आत्मा क्या है, अनकॉन्कर्ड माने अजय, ठीक है, आत्मा अजय होती है, मतलब वो कभी मरती नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाता है, इसलिए इसका आवाज़ नहीं होगा, ठीक है, कि दूसरे समय से। अब उसके बाद जो है द चेयरमैन सेड, अगला वाक्य चेयरमैन सेड लेट अस पास ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेन, तो इसको हम कहेंगे चेयरमैन, यहाँ देखिए क्या है कि चेयरमैन ने कहा लेट अस पास ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, ठीक है, हमें अगले आइटम को पास कर देना चाहिए, या आओ अगला आइटम पास करें, तो सेड का प्रपोज कर देंगे, ठीक है, दैट कर देंगे, अस का वी कर देंगे, नहीं सॉरी वी नहीं करेंगे, चेयरमैन का सर दे थर्ड पर्सन है, द चेयरमैन प्रपोज दैट दे शुड पास ऑन टू द नेक्स्ट का फॉलोइंग हो जाएगा, फॉलोइंग आइटम माने बस्ट होता है, ठीक, इस तरह से इसको हम कर देंगे। अगला है द रिफ्यूजी वोमेन सेड टू द शॉपकीपर प्लीज, प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड कर दिया, रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर, रिफ्यूजी मैंने सड़ा दिया था, टू लगा के जोड़ेंगे प्लीज हट जाएगा, रिक्वेस्टेड लगा देने से टू हेल्प माई का, रिफ्यूजी वोमेन है ना, औरत है तो हर हो जाएगा, हर स्टार्विंग चिल्ड्रन, स्टार्विंग मैंने भूख से पीड़ित कर। अगला है ही सेड लेट मी गो टू द जू टुमारो, तो ही प्रपोज्ड कर दीजिए, प्रपोज्ड या सजेस्टेड भी कर सकते हैं, सॉरी प्रपोज या सजेस्टेड नहीं रहेगा, लेट के साथ मी आया इसीलिए, ठीक है, तो मी आया तो लेट मी, अब देखिए लेट के साथ मी आने से दो चीज़ें प्रकट होती है, तो प्रार्थना भी प्रकट होता है, इच्छा भी प्रकट होता है, ठीक, तो इच्छा के हिसाब से बनाओगे तो विश्ड हो जाएगा, प्रार्थना के हिसाब से बनाओगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो कोई आदमी वो कह रहा है कि लेट मी गो टू जू टुमारो, मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो, ठीक है ना, तो अब यही कहेंगे ही वह कल चिड़ियाघर जाने की इच्छा कर रहा है इसलिए विस्ट कर देंगे, ही विस्ट दैट, ठीक है, विस्ट से बनाते हैं तो हम क्या होता है, देखिए दैट तब आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, अब सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट मी है ना, मी कोई सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, लेकिन ही का आंसर बदलेंगे थी हो जाएगा, लेट का हो जाता है सो, ही शुड गो टू यू टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, इस तरह से इसमें इच्छा के हिसाब से बनाया है, लेकिन बाय चांस आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए इसको प्रार्थना के सेंस में ले लिया कि उसने कहा कि मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट करा कि मुझे कल जाने दो, मतलब कोई जाने नहीं दे रहा घर वाले अलाउ नहीं कर, तो इस तरह से भी आप तब उसमें रिक्वेस्टेड कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड, तब टू जोड़ देंगे टू लेट हिम गो टू द टू नेक्स्ट डे हो जाएगा,
या ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो टू नेक्स्ट यू द नेक्स्ट डे। इस तरह से भी लेट बी वाले वाक्य को बनाया जाता है, पीछे मैं बता दिया हूँ ठीक। लेकिन फिलहाल बेस्ड से बेटर होगा, बेस्ड ही इसमें प्रकट हो रहा है, बेस्ड से आप बनाइए। बाकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं रिक्वेस्टेड के हिसाब से बनाया गया, अगर बेस्ड वाला ऑप्शन नहीं है तो भी आप उसको सही मानेंगे ठीक है आपकी एग्जाम में, नहीं तो अपने हिसाब से कह रहा है बनाने के लिए तो आप बेस्ट से। सी सेड टू हर पेरेंट्स स्टडी, तो सी सेड टू का हर पेरेंट्स तो टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड हर पेरेंट्स स्टडी का तो प्रीवियस डे कर दीजिए ठीक है, तो प्रीवियस डे डाइट लगा दीजिए। फिर आई का जो है सी में बदल दिया जाएगा, डू का डिड में बदल, सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स, आगे सब कुछ। तेरहवा हर मदर सेड टू मी, तो हाउ ओल्ड आर यू, तो सी जिस बातें पूछ रहे हैं तो आस्क्ड मी हो जाएगा, हाउ का हाउ ही रहेगा, ओल्ड हाउ ओल्ड एक साथ रहेगा, कंडक्शन काम करेगा, उसके बाद ही क्योंकि भर भाई है, तो हाउ ओल्ड यू का मी के अनुसार मतलब क्या आई हो जाएगा, हाउ ओल्ड आई आर का वाज हो जाएगा ठीक। इस बता दे रहे हैं हर मदर आस्क मी हाउ ओल्ड आई वाज ठीक है, सबको आस्क करेंगे हाउ ओल्ड आई वाज, इसका अर्थ है उसकी माँ ने मुझसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, हम दूसरे से कहें उसकी माँ ने मुझसे पूछा कि हाउ ओल्ड आई वाज, मेरी उम्र कितनी थी, पूछा उसके बाद हाउ ओल्ड की कितना उम्र आई वाज मेरी। जया आस्ट रमेश जयन रमेश से पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हैं, तो जया आस्ट रमेश का सेम टू सेम आस्ट ही है, पहले से दिया सेट टू कास्ट, वेयर से जोड़ दिए, वेयर डू यू लिव का डू यू लिव, तो वेयर के बाद जो है यू को जो है रमेश के अनुसार बदले के ही लिव का हो जाएगा, लिव फर्स्ट इनफॉर्मेटिव में सक्रिय लगेगी, नहीं इनफॉर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिव हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, अगली वीडियो में आपको हम अगला सेट हल कराएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाद में आपको समय मिलेगा तो हम इसकी मास्टर वीडियो बना देंगे सभी सेट को, 2000 से लेकर जितना भी आया है 12 से लेकर 21 तक एक में, तो बात अलग है, अभी आप इस तरह से देखते जाइए, डेली सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स जो पढ़ सकें और सबको बेनिफिट मिल सके, इंटर में भले हैं और भी क्लास में अगर कोई इंटर के अलावा क्लास में हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं इनडायरेक्ट सब में आदर्श थे सब पढ़ें, सब पढ़े आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।